जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के भाटा पारा में प्रदेश के लगभग 24.5 लाख किसानों के खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की यानी कि धान बोनस की तीसरी किस्त का सीधे DBT के जरिए तीसरी किस्त का ट्रांसफर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों राज्य के किसानों के खातों में जारी किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी धान खरीदी के विषय में भी किसानों से है वो चर्चा की। तो चलिए विस्तार से जानकारी के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। आज हमर माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डालेंगे। अभी भी मौका है, जब मैं ताली नहीं बजावा थे, हाँ सब जन बजाल धर ले, कतका जन के खाता में पैसा पहुंच गए। कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे मोबाइल में जाकर का सूचना आ गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए, खूब बधाई खूब शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55,16,00,000 रुपये का अंतरण किए गए है। उमल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है, हमन 1 नवंबर के देविया रहे, हर साल 1 नवंबर के देता, 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था, अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाएगी और ओकर बाद तीसरा किस्त दे बर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगती। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देती और कब तुम्हार खाता में पैसा जाती वो बात ल ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ल परेशानी मत होए, तेकर सेती आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुई। ये साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए इन किसान मन के 20 क्विंटल इस साल कर देते, अब किसानी फसल बढ़िया होल धल ले, 15 क्विंटल के बाद धान बांध जते, तो विधानसभा हम घोषणा करें कि 20 क्विंटल खरीदबो। और परम दिन हमारे कैबिनेट हुई, इस कैबिनेट के सब साथी मन पूरा कैबिनेट एक मत से प्रस्ताव करीस कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के हिसाब से पैसा की व्यवस्था, बारदाना की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग करे की व्यवस्था हम फैसला करें। 22,000 करोड़ पिछले साल धान खरीदे, ये साल ज्यादा जाही, वो सब के व्यवस्था कर दें। चुनाव आचार संहिता लगे रहे चाहे कुछ रहे, किसान के धान खरीदे जाए 20 क्विंटल, पेमेंट 3 दिन के भीतर में, बारदाना की व्यवस्था, तौलाई की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था। दोस्तों जैसे कि आप सबने मुख्यमंत्री जी को सुना कि आज प्रदेश के लगभग 24.5 लाख किसानों के खातों में इस योजना की तीसरी किस्त DBT के जरिए राज्य सरकार ने जारी किए हैं। तो अभी तक आप सबके खाते में इस योजना की तीसरी किस्त आई है या नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं, आपके खाते में पैसे आए या नहीं आए, और अपने अन्य मित्रों तक भी खबरें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।